दर्शकों ब्रेक तो बाद आपां तुहानूं सभ नूं चिहां कहिंदे आ पाकिस्तान ते भारत दे हवाले नाल गलबात करन जा रहे हां कि पाकिस्तान दा इक डेलीगेशन इंडस वाटर कमीशन दी 118वीं मीटिंग लई दिल्ली आया होया है। भारत दी नीति पानी नूं हथियार वजों वरत के पाकिस्तान नूं सबक सिखाउणा है, पाकिस्तान नूं भारत दा गुज्जा एजेंडा समझण दी लोड़ है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सभ दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी अक्सर ये जिक्र करते हैं कि भारत उसने 47 तो बाद पाकिस्तान के खिलाफ दो मुहाज खोले जे। एक पासे तो जाहिर है भी कश्मीर के मुद्दे के उत्ते किवें जड़ा है वह सिक्योरिटी कौंसल तक जाना और कश्मीर का इशू 75 साल बाद भी रादर हुण उहदा सूबे का वजूद भी मिटा देना, और एक इमीडिएटली बात सी जदों कि उन्होंने फिरोजपुर और माधोपुर जेडे कि सतलुज और रावी दे हेडवर्कस ने उन्होंने राही पानी ब्लॉक जड़ा है वो ब्लॉक कर दिता सी पाकिस्तान का, और आलमोस्ट जंग दे कंडे दे उत्ते दोवें मुल्क पहुँच गए सी। वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया 1960 दे विच, फिर नहरू फ्लाई करके कराची गया और अयूब खान और नहरू दे विचाले दस्तखत होए, वर्ल्ड बैंक ने जड़ा है वो इस दे विच सेंट्रल रोल निभाया मतलब अमेरिका ने, और उदे विच एक पासे पाखड़ा डैम उस चो निकलिया, इंडिया वाले पासे पाकिस्तान च मंगलादेश मंगला डैम निकलिया, और इस सारे चो जड़ा ब्रॉडर इस इंडस वाटर ट्रीटी जिन्हों कहा जाता 1960 साइन हुई उदे च सी कि सतलुज ब्यास ते रावी जड़ियां ईस्टर्न रिवर्स ने उन्हां दे उत्ते ईस्टर्न हक मन्या गया, जाहिर है पंजाब दा और उन्होंने अपर और लोअर राइपेरियन दोनों ही, और इस तरह चना जेलम और इंडस जड़े ने ये तीन दरिया पाकिस्तान के कंप्लीट मने गए, और ये उस वेले जड़ा कैलकुलेट किया गया सी कि भी 33 मिलियन एकड़ फीट पानी जड़ा है वो सतलुज ब्यास रावी च है, और 135 मिलियन एकड़ फीट ये इंडस चना ते जेलम, हालांकि क्योंकि चना ते जेलम कश्मीर चो गुजरते हैं, सो ये होया कि भाई उन्हां दी वरतों दे लई जड़ा उस नूं पानी नूं ये वरत्या जा सकता है, लेकिन रोकया नहीं जा सकता है, उसका हिस्सा सी कि भी ये उत्थे कोई वो डैम नहीं बना सकते, और ये सारे चो रन ऑफ द रिवर प्लांट्स ऑन वैस्टर्न रिवर्स जड़ा वो जड़ा इंडिया इज़ परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट द रन ऑफ द रिवर प्लांट्स ऑन वैस्टर्न रिवर्स विद लिमिटेड स्टोरेज एज पर क्राइटेरिया स्पेसीफाइड इन द ट्रीटी दे विच लिखा है। हुण इस पीरियड असी देखिए, और फिर उन्होंने एक परमानेंट कमीशन भी बना दिता इंडस वाटर कमीशन जड़ा दोनों पासे मोनीटर भी करता है, एक दो बार इन्हों का झगड़ा भी होया और भारत ने इस दी उलंघना करदिया ऑलरेडी जम्मू कश्मीर दे विच बगरियार डैम और एक अद्धा होर कृष्ण गंगा डैम और ये वो बनाए, और पाकिस्तान की अपील एक अद्धी वारी मनी गई एक अद्धी वारी खारिज हुई। हुण पाकिस्तान के नुमाइंदे आए हुए ने दिल्ली, पिछले कल तो दो दिन इन्हों का भी मीट है, 118वीं मीटिंग है पाकिस्तान इंडिया परमानेंट इस कमीशन की, और असी क्योंकि अपने पंजाब के हवाले नाल तो अक्सर वाटर इशू की गल करते हैं जिहड़ा कि साडी लाइफ लाइन है पाकिस्तान दे लई भी, कश्मीर इशू एक अपनी थां अहमियत वाला इशू, ह्यूमन राइट्स और राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन, लेकिन जे कहना होए कि पाकिस्तान दी लाइफ लाइन की है तो वह भी वाटर है, क्योंकि यही तीनों दरिया और पाकिस्तान दी इकोनमी का भी वड्डा हिस्सा है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, और ये इंडिया बीइंग अपर राइपेरियन होण दे उहदे कोल ओह हक है कि भी वह जदों मर्जी चोक करे, और ये गल मैं नहीं कह रहा है, ऑलरेडी मोदी और अमित शाह ने पिछली इलैक्शन की कैंपेन वेले इसका खूब प्रचार किया सी पंजाब च आके खास तौर पर, क्योंकि पंजाब का पानी लुट के तो पहला ही जड़ा वो राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली नूं दिता जा रहा अगों अगों लुट ली सतलुज यमुना लिंक नहर बनाना चाहते हैं, पर यह मोदी ने पंजाब च आके कहा सी कि फिक्र ना करो असी चना ते जेलम का पानी उधरों मोड़ के इधर लियावांगे और पंजाब के खेत भर देंगे जां फलाना टिमका, सो इस तो इन्हां दी इंटेंशन जार हुंदी है। असी समझदे हैं भी ये आर्टिकल 370 खत्म करना, 35A खत्म करना, जम्मू कश्मीर का सूबे का वजूद खत्म करना, ये अल्टीमेटली उस डायरेक्शन वाली है। ये टैरि पहला भी जम्मू कश्मीर नूं गौरमेंट ही रन करती सी, जे उत्थे महबूबा मुफ्ती आ गई जां फारूक अब्दुल्ला आ गया जां उमर अब्दुल्ला आ गया, उहदे नाल ते फर्क नहीं सी, है तो फौज ही रखी हुई सी,
ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੁਚੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿ 6 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਕੋਂਕਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਓਬਸੈਸਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ